कासगंज जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर मरीज द्वारा ऑक्सीजन की कमी के चलते एम्बुलेंस में ही दम तोड़ने का मामला सामने आया। वहीं मृतक के भाई ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें, सोरो थाना क्षेत्र के ग्राम गडरपुरा के रहने वाले शकुंतला देवी ने बताया कि उनके बेटे नंदकिशोर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसे गुरुवार दोपहर को कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे बेहतर उपचार के लिए कासगंज के ही दूसरे सरकारी अस्पताल अशोकनगर CHC में रेफर कर दिया गया। यहां हालात नहीं सुधरने के चलते अशोकनगर CHC से बेटे नंदकिशोर को सरकारी एम्बुलेंस से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, जहाँ से कुछ 5 किलोमीटर की दूर निकलते ही एम्बुलेंस में लगे सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म हो गई और मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के भाई का आरोप है कि सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उनसे 1200 रुपये की भी मांग की थी। जो अभी इनकी मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से, उनके आप कौन लगते हैं? मेरा भाई है जी। आपके भाई हैं? हाँ। तो क्या घटना हुई थी? मेरे भाई को मैं पहले कासगंज लाया, तो कासगंज से रेफर कर दिया मेरे भाई को। तो ये एम्बुलेंस वाले से मैंने पूछा, भाई इसमें ऑक्सीजन की सुविधा है क्या? नहीं। तो इसने कहा फुल सिलेंडर है। तो मैं ठीक है, फिर रास्ते में मेरे से बोला 1200 रुपये अलग से लगेंगे, बड़ा चार्ज है मेरा। ये सरकारी एम्बुलेंस है? प्राइवेट? सरकारी एम्बुलेंस है। तो ये 1200 रुपये मेरे से रिश्वत के मांग रहा। तो मैंने कहा चल तेरे को वो भी दे दूंगा। मैंने कहा मेरे भैया को जिंदा लेके चल रहा हूँ हॉस्पिटल तक। कहाँ ले जा रहे थे आप? तो मैं अलीगढ़ ले जा रहा था मेडिकल कॉलेज के लिए। कहाँ से ले जा रहे थे? हम कासगंज से ले जा रहे जी। कासगंज प्राइवेट अस्पताल, सरकारी? सरकारी अस्पताल से जी। सरकारी ने रेफर किया, तो मैंने सरकारी भी गाड़ी थी। अच्छा। और तो फिर रास्ते में मेरा भाई खत्म हुआ, तो मछरिया के तरह मेरे भाई के पानी खत्म। कैसे हो गया? कैसे खत्म? खत्म हुआ सर, ऑक्सीजन बगैर खत्म हुआ। ऑक्सीजन यहीं फिर रास्ते में ही निबट गई सर। अच्छा, ऑक्सीजन खत्म हो गई? ऑक्सीजन 2 किलोमीटर पर ही खत्म हो गई, और फिर भी ये 1200 रुपये मांग रहा था मेरे से। तो मैंने इससे कही, भाई तू 1200 नहीं 1500 ले लियो। तो ड्राइवर कंडक्टर कहाँ गए? वो कहाँ गए इसके साथ सर? ये दोनों मैंने इससे बोला, मेरे भाई मैं कंप्लेंट कर दूंगा। जब मैं पैसे की भी बोला, तो कहा गया था तू मेरे साथ मेरे धोखा क्यों किया? तो बोला कि सर धोखा नहीं हो रहा मेरे साथ, तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा। क्या नाम था ड्राइवर का? कुछ नाम मालूम है सर? हमें ड्राइवर के नाम नहीं मालूम। तो ऐसे ड्राइवर भागे हैं जैसे एक्सीडेंट करके गए हैं, तैसे दोनों लोग फरार हो गए। छोड़ के भागे? हाँ, एम्बुलेंस छोड़ कर दोनों भाग गए। मैंने कहा मैं कार्रवाई करूंगा। मैंने कहा तुम्हारी ऑक्सीजन कैसे खत्म हुई? मैं अली जो सोरो से मरीज लाया गया था एम्बुलेंस द्वारा, उसकी मौत हो गई, क्या कारण है आप बताइए। मरीज जो सोरों से जो आया था, उसका ऑक्सीजन लेवल 84 से 85 था। हमने उसको यहाँ ऑक्सीजन दी, तत्काल उसने उसको एम्बुलेंस मिला के अलीगढ़ रेफर कर दिया था। और उसको बताया जाता है कि वो पुराना TB का मरीज था, बीच में उसने दवा भी छोड़ दी थी। फिर उसके बाद में उसको रेफर कर दिया यहाँ से। सुना है उसकी मौत हो गई रास्ते में जाकर? हाँ, हो सकता है ऑक्सीजन लेवल कम था, इसकी वजह से कम मौत हो गई हो, लेकिन यहाँ से वो एकदम ठीक था।